मैं मेरे पूरी MIM पार्टी के तमाम मेरे यार दोस्त अहबाबों को बुलाकर मैं अपनी खुशी इजहार करना चाहता था, बाकी बर्थडे मनाने का कोई मेरा इरादा नहीं था। पार्टी के कार्यकर्ता है, पोस्ट होल्डर है, तो एक अबू भाई को मालूनी के अंदर एक जिम्मेदार और एक पॉलिटिशियन का उनको एक्सपीरियंस भी है काफ़ी सालों का, तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन इंसान है वो और काम भी वो कर रहे हैं लोगों को जोड़ने का काम। एडवाइज़र अबू भाई वनशंकर साहब हमारे बड़े भाई, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी गाइडलाइन है, जो राजनीति में इन्होंने जो 25 से 30 साल इन्होंने किसी और पार्टी में दिया है, वह मैं उस पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। हमारे अबू वनशंकर भाई इनका जन्मदिन है और मैं बहुत ही ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद देती हूँ और मैं दुआएं देती हूँ मेरे भाई को कि उनकी ज़िंदगी इतनी लंबी हो कि हमारी सियासत में इनके इनका हाथ हमारे सर पर बना रहे। मेरा नाम इरफान खलीफा है, मैं नॉर्थ मुंबई जिला अध्यक्ष हूँ MIM पार्टी से, और हमारे नॉर्थ जिला एडवाइज़र अबू भाई वनशंकर का आज जन्मदिन है, उनकी जन्मदिन के मौके पर हम यहाँ सब जमा है। दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि न्यूज़ अपडेट नोटिफिकेशन द्वारा तुरंत आपको मिल सके, और अगर हमारे न्यूज़ अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको आपके बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट हमारे चैनल पर करवाना है या कोई न्यूज़ है या कोई कंप्लेंट है तो स्क्रीन पर दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दर्शकों आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस, मैं निशान आजमी। आज अबू वनशंकर का बर्थडे था माड़ा कला विद्यालय के कार्यालय पर, जहां पर सभी पार्टी के लोग आए थे। नासिर भाई आए, गफूर भाई आए, वसीम भाई, सभी लोग आए यहां पर, उनको मुबारकबाद दिया, बड़ी धूमधाम से मनाया गया। और जो अबू भाई है वो MIM पार्टी के नॉर्थ मुंबई के एडवाइज़र है, और उन्होंने हमसे बात करते हुए ये कहा है कि बर्थडे तो एक बहाना होता है, असल में गेट टुगेदर करना होता है, सभी से मुलाकात करने का एक बहाना होता है, तो बहुत ही अच्छी बात उन्होंने हमसे की। मैं दिशा राजमी, खबर फेस्ट फेस मुंबई। मुबारक, क्या एंगल, कोई भी एंगल छूटना नहीं करूंगा मैं अभी। अरे क्या बोलते अब्दुल, आओ इधर आओ, मुंह पोछ लो ना, मुंह पोछ लो। और मोहसिन अबू भाई आपको खबर फेस टू फेस और काशिफ टाइम्स की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद आपके जन्मदिन के अवसर पर। थैंक यू। बर्थडे आज आपका था, बर्थडे बनाने का मकसद क्या है हमारे दर्शकों को बताइए। बर्थडे एक जन्मदिन एक रिवाज है, लेकिन मैं मेरे पूरी MIM पार्टी के तमाम मेरे यार दोस्त अहबाबों को बुलाकर मैं अपनी खुशी इजहार करना चाहता था, बाकी बर्थडे मनाने का कोई मेरा इरादा नहीं था। लेकिन मेरे तमाम दोस्त लोग, मेरे MIM पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी सब मिलकर आज हंसी खुशी मिलकर एक बर्थडे बहाने से हम लोग आने वाले इलेक्शन के दौर के बारे में, पार्टी के बारे में, कैसे आगे बढ़ाने का है, हमको कैसे क्या क्या करना है, उसके बारे में डिस्कस चालू था। आपके बर्थडे में कौन कौन आया था, सिर्फ MIM के पार्टी के आए थे कि और भी कोई पार्टी के? नहीं, काफ़ी लोग, कोई पार्टी वाले लेवल का, इसमें मनसे के भी आए थे मेरे पास, मेरे सभी दोस्त लोग हैं, कांग्रेस के भी बैठे हुए हैं मेरे पास, और BJP वाले अपने दीपक राव राणे साहब आए थे, तो अयुब भाई है हमारे, और हमारे तालुका अध्यक्ष नासिर कुरैशी, इमरान कपूर साहब, ओवैसी भाई मेरे, और महबूब भाई, तमाम लोग मेरे फैमिली पोते नाते बच्चे सभी लोग इन्वॉल्व हो गए थे, तो उनके दिल में खुशी थी कि
भाई आज तुम्हारा बर्थडे है तो सब मुलाकात होगी और बातचीत होगी, इस हिसाब से बर्थडे मनाया गया। अब भाई जिस जब से MIM मैंने देखा है, पहली बार ऐसा हुआ था कि इतिहास चेंज हो चुका है मौलानी में, मलाड मौलानी में, और आपके जो लीडर हैं मेन लीडर असद साहब पहली बार मलाड में आए, क्या कहना चाहते हैं उस पर? नहीं, यहाँ के लोगों का बहुत ये था, कहना था कि बोले भाई यहाँ के MLA जो है उनमें इतनी ताकत है कि असद साहब को हम आने नहीं देंगे, अकबर साहब को आने नहीं देंगे। तो हमने वो काम करके दिखाया MIM पार्टी में आने के बाद। असद साहब किसी के भी बाप के नौकर नहीं है, MIM पार्टी के लिए उनको जहाँ कार्यकर्ता बुलाएगा वहाँ असद साहब आएंगे जब। और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में इम्तियाज जलील साहब भी आएंगे, वारिस पठान साहब भी आएंगे, हो सके तो अकबर साहब आएंगे। असद साहब को मैं दो बार दौरा कराने का तैयारी में बैठा हूँ। जिस तरीके से आपकी पार्टी लोगों के बीच जा रही है, काफ़ी टाइम से आप लोग लोगों के बीच में हैं इधर मलाड, तो आप मैं कैसे क्या उम्मीद करूँ कि आप कितने वार्डों में आपने उम्मीदवार उतारेंगे और जीतने की उम्मीद? भाई हमारी तो पूरी तैयारी छः के छः की है, लेकिन कैंडिडेट और हमारे लोगों का पूरा स्टडी करने के बाद अभी आने वाले इलेक्शन में हम कम से कम 4 सीट तो 100% लड़ा देंगे। अबू भाई आज बर्थडे था आपका, किस तरह से आपको खुशी हो रही है, महसूस हो रहा है वो हमारे दर्शकों को? मेरे तमाम यार दोस्त लोग, मेरे पार्टी के तमाम पदाधिकारी आके मेरे खुशी में शामिल हो गए, बस इससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती मेरे लिए। और इसी बहाने मैं अपनी MIM पार्टी को एकजुट लाने की कोशिश में लगा हूँ। अबू भाई MIM पार्टी में आपका क्या पोस्ट है? मैं पोस्ट का कोई अहमियत समझता नहीं हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता बनके काम करना चाहता हूँ। हालांकि अभी मैं हूँ जिला में एडवाइज़र, लेकिन मैं सिर्फ पार्टी के लिए काम करूँगा। जहाँ मजलिस की बात आएगी वहाँ हर काम के लिए मैं खड़ा रहता हूँ। आखिर में आपके तमाम चाहने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके जन्मदिन के अवसर पर? सिर्फ एक ही बात कहूँगा, प्यार मोहब्बत से जीना सीखो, नफरत की ज़िंदगी छोड़ो। वक्त आज हालात हिंदुस्तान के बहुत ख़राब है, मैं तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा तमाम लोगों को, MIM पार्टी से जुड़ो और एकजुट होकर काम करें। नासिर भाई आज अबू भाई का जन्मदिन है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं हमारे अबू भाई बोलशंकर जी को उनके जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे, उनकी रोज़ी में बरकत दे, और इसी तरह वो जो आज उन्होंने ये पहल करी है, ये पहली पहल नहीं है माशाल्लाह, हर साल वो इसी तरीके से अपने यार दोस्तों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को और सभी जितने मेंबर्स हैं सबको एक प्लेटफॉर्म पे बुलाकर वो एकजुट का एक मैसेज देते, एक संदेश देते लोगों में, क्योंकि बर्थडे एक बहाना होता है। काफ़ी आपस में भी हम लोग देखते होंगे कि हमारे रिश्तेदार, हमारे यार दोस्त अहबाब जो एक साथ एक समय पर नहीं मिल पाते, तो ये एक ऐसा मौका होता है जन्मदिन का, शादी का, जो भी सेलिब्रिटी अब करते हैं गेट टुगेदर, कि उसमें हम सब एक प्लेटफॉर्म पे दिखते और वही पैगाम, वही संदेश हमारे अबू भाई बोलशंकर जी ने दिया है लोगों को। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में सभी इसी तरीके से एकजुट होकर आगे प्रोग्राम लो, कार्यक्रम करो, और एकजुट होकर MIM पार्टी को भी मजबूत करो और आपस के दोस्ती यारी रिलेशन उसको भी मेंटेन करो, और अल्लाह ताला ये इनकी उम्र में, और मैं बोलना चाहूँगा बरकत दे, और ये बहुत बेहतरीन काम किया इन्होंने माशाल्लाह, हम बहुत खुश है। 21 तारीख को आपका भी बर्थडे आ रहा है, तो इसी तरह से आप धूमधाम से सभी को बुलाएंगे, सभी पार्टियों को? धूमधाम तो एक देखिए वो चीज़ तो एक अलग चीज़ होती है। मैं सबसे ज़्यादा उस टाइम पर आप देखिएगा कि मेरा जन्मदिन, मैं ये सब तो आएंगे माशाल्लाह, मैं सबको इन्विटेशन दूंगा भी, लेकिन कुछ स्पेशल लोग दूंगा जो इस चीज़ में नहीं आ पाते, वो एक सरप्राइज रहेगा और आप ज़रूर वो कवर करिएगा उस दिन आकर, क्योंकि स्पेशली मैं कुछ ऐसे लोगों को उस दिन इनवाइट करना चाहता हूँ जो बेचारे नहीं जा पाते हर जगह पर, वो आप शायद समझ भी गए होंगे, और इंशाल्लाह ताला वो चीज़ करूँगा मैं। भी देखा है आप, आपको और अबू भाई को एक ऐसा लगता है कि अबू भाई आपके बड़े भाई हैं और उनके छोटे भाई हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, अबू भाई हमारे बड़े भाई है, हमारे सलाहकार भी है, और पहली बात तो उन्होंने हमारे साथ में एक ऐसा रिश्ता मेंटेन करके रखा है, भाई से भी बढ़कर रखा है। उन्होंने हर जगह जगह पे मुझे एडवाइस दिया है कि नासिर ऐसा करना है, वैसा करना है, और सिर्फ मुझे ही नहीं, अपने जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता है, पोस्ट होल्डर है, तो एक अबू भाई को मालूनी के अंदर एक जिम्मेदार और एक पॉलिटिशियन का उनको एक्सपीरियंस भी है काफ़ी सालों का, तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन इंसान है वो, और काम भी वो कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं, और एक एडवाइस जो होती है एक बड़े भाई की हैसियत से, एक बाप की हैसियत से उन्होंने हमेशा दिया है माशाल्लाह। अबू भाई को जन्मदिन पर किस तरह से आप शुभकामनाएं देंगे? हमारे जिला एडवाइज़र अबू भाई बोलशंकर साहब, हमारे बड़े भाई,
जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी गाइडलाइन है, जो राजनीति में इन्होंने जो 25 से 30 साल इन्होंने किसी और पार्टी में दिया है वक्त, मैं उस पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज मजलिस के साथ में हमारे साथ में हम खड़े हैं अबू भाई। आज उनके जन्मदिन पर हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। बस मकसद यही है कि ये बहाना, जैसे हमारे भाई ने बताया कि जन्मदिन मनाना एक बहाना होता है, जिससे हमारे सारे जितने भाई है, सब जितने हमारे मजलिस के कार्यकर्ता, हम लोग मुलाकात करते हैं और उसमें हमारी काफ़ी कुछ बातों के ऊपर, इलेक्शन को लेकर, चाहे पार्टी को लेकर हो, हर चीज़ के बारे में चर्चा भी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम सब की मुलाकात हुई और बहुत अच्छे थे, इस जन्मदिन के अवसर को मनाया गया, बहुत खुशी है इस बात की। अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी इसी तरीके से मिलके इंशाल्लाह मजलिस के परचम को हर तरफ लहराएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत बाद में भाई खाएगा बड़ा तो रिजवाना इस्ता खान, जिस तरीके से आज अबू जी का बर्थडे है, काफ़ी देर लग गई आपको आते आते, कहीं और भी जाना था क्या, और क्या कहना चाहती हैं इस बर्थडे में? देखिए, आज हमारे अबू अलशंकर भाई इनका जन्मदिन है और मैं बहुत ही ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद देती हूँ और मैं दुआएं देती हूँ मेरे भाई को कि उनकी ज़िंदगी इतनी लंबी हो कि हमारी सियासत में इनका हाथ हमारे सर पे बना रहे, क्योंकि ये हमारे बड़े हैं और बड़ों का साया हाथ सर पे होना चाहिए। तो मेरी दुआएं हमेशा भाई के साथ हैं और मैं बहुत मुबारकबाद देती हूँ, इंशाल्लाह ऐसे ही कामयाब होते रहे मेरे अबू भाई और हमेशा हमारे साथ बने रहे। ऐसे हमारे दर्शकों का आपका परिचय दीजिए और अबू भाई का बर्थडे किस तरह से शुभकामना देना चाहेंगे? भाई, मेरा नाम इरफान खलीफा है, मैं नॉर्थ मुंबई जिला अध्यक्ष हूँ MIM पार्टी से, और हमारे नॉर्थ जिला एडवाइज़र अबू भाई वलसंकर का आज जन्मदिन है। उनकी जन्मदिन के मौके पर हम यहाँ सब जमा है और उनको उनके जन्मदिन के मौके पर उनको शुभकामनाएँ देते हैं। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे और दिन रात तरक्की दे।